और दोस्त क्या हाल है। आज आपके लिए लाया हूँ डायनासोर के समय के 5 सबसे खतरनाक जानवर जो कभी इस धरती पर राज करते थे, जो डायनासोर से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक थे, जो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका सामना उन जानवरों से हो। टेरर बर्ड। ये पंछी लड़ने के उतने काबिल नहीं है, लेकिन ये कमाल के डरावने शिकारी हैं। ये टेरर बर्ड्स उस समय के एपेक्स प्रेडेटर्स थे, जो अपने चोंच के जरिए शिकार करते थे। इनकी चोंच इतनी घातक थे कि इनके चोंच के एक ही बार से ही शिकार की मौत हो जाती थी। ये पंछी काफी ज्यादा आक्रामक और काफी ज्यादा तेज भागते थे और ये पंछी उड़ नहीं पाते थे। ये भयानक शिकारी सेनोजोइक एरा में पाए जाते थे। इन टेरर बर्ड्स की हाइट 10 फीट होती थी और ये अपने से छोटे जानवरों का आराम से शिकार कर पाते थे। और इन छोटे जानवरों में इंसान भी आता है, डायनोफेलस। ये डायनोफेलस काफी ज्यादा कमाल के शिकारी थे, जिसे प्रकृति ने सिर्फ शिकार करने के लिए बनाया था। ये डायनोफेलस इंसान के अली एजेस में भी पाए जाते थे, जहां ये इंसानों और हिरणों का शिकार करते थे। फॉसिल एविडेंस के मुताबिक डायनोफेलस ने हमारे एंसेस्टर्स को मारने के लिए वो उनके गले पे नहीं, डायरेक्ट उनके खोपड़ी पे वार करते। सोचिए ये कितना घातक होगा कि एक शिकारी अपना पूरा जबड़ा एक शिकार के खोपड़ी में घुसा देता हो, जिसके कारण शिकार की वहीं पर मौत हो जाती थी। ये डायनोफेलस लेपर्ड और लोयन के साइज जितने होते थे। जायंट सी स्कॉर्पियन। ये विशाल सी स्कॉर्पियन की लंबाई 8 फुट होती थी, जो एक कार से भी ज्यादा लंबी है। ये स्कॉर्पियन एक इंसान के मुकाबले भी काफी ज्यादा बड़े होते थे। ये जीव 460 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। ये जायंट सी स्कॉर्पियन के पास बड़े बड़े नुकीले पंजे होते थे, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जान सके हैं कि ये जायंट सी स्कॉर्पियन की पूंछ में आज के स्कॉर्पियन जैसा जहर होता था या नहीं होता था। एंटेलोडोंट्स। ये भयानक क्रीचर का फॉसिल पहली बार मंगोलिया में पाया गया। इन क्रीचर्स का शरीर काफी ज्यादा विशाल होता था और इन एंटेलोडोंट्स को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है इनकी जबड़े। इनके जबड़े इतने ज्यादा ताकतवर होते थे कि ये आराम से किसी भी क्रीचर के हड्डियों को चकनाचूर कर सकते थे। इन इंटेलिडेंट्स की बाइट फोर्स 4000 लेप्स होती थी, जो टीरेक्स यानी टेरानोसोरस से भी ज्यादा है। ये एक आम इंसान से भी काफी ज्यादा बड़े होते थे। इन इंटेलिडेंट्स को हेल पिग और टर्मिनेटर पिग भी कहा जाता है, लेकिन ये आज के किसी भी पिग की प्रजाति से मेल नहीं खाते हैं। मेंगालेनिया। ये विशाल गावना की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो प्लेस्टोन एरा में पाए जाते थे। ये विशाल छिपकली 7 मीटर तक लंबे हो सकते थे। ये आज की गावना की तरह ही शिकार करते थे। आज के जितने भी गोआना और मॉनिटर लिजर्ड हैं, वो मेंगालेनिया के साथ सेम जीन शेयर करते हैं। मेंगालेनिया काफी ज्यादा विशाल और ताकतवर होते थे। इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी, और ज्यादा शिकार होने के कारण ये मेंगालेनिया भूख का शिकार हो गए, जिनके कारण इनकी प्रजाति भूख के मारे विलुप्त हो गई। ये छिपकली कितने ज्यादा भयानक है, तो सोचे क्या होता किससे भी 4 गुना और 5 गुना छिपकली आज धरती पर घूमते। तो डायनासोर्स आज भी जिंदा है ये जानने के लिए पहली वाली वीडियो देखिए, और कैमरे में कैद हुए ड्रैगन्स ये जानने के लिए दूसरी वाली वीडियो देखिए, और इस गोले पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज सुब साइनिंग आउट।